हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेला चाव। चलिए शुरू करते हैं। गाने से पहले एक म्यूजिक प्ले होता है, देख लीजिए। पहले तो इस गानों को मैं आपको चार ये म्यूजिक है गाने से पहले इसको मैं आपको चार पार्ट में सिखाऊंगा। तो चलिए पहला पार्ट ऐसा है गाइस, तो इसके नोट्स देख लीजिए। ए जी शार्प एफ ई, इसके बाद है इसके नोट्स डी सी बी ए। तो आप नोट्स स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा, उधर से आप ऐसे सीख सकते हो। तो पूरा कैसे बजेंगे ये, जब ये पहला वार्ड बजाता है ना हम, तो हमें थोड़ा पॉज देना है, फिर ये बजाना है। तो थर्ड पार्ट देखो, ऐसे थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों सेम ही है। देखो फर्स्ट पार्ट ऐसा है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। देखो थर्ड पार्ट के मैं आपको नोट्स नहीं बताता, सेम ही है क्योंकि। तो फोर्थ पार्ट के नोट्स लिख लीजिए गाइस, एफ जी शार्प ए बी डी सी बी ए जी शार्प ए। तो एक साथ कैसे हो जाएंगे, पॉज, फिर सेकंड पार्ट, पॉज, फिर थर्ड पार्ट। थर्ड के बाद फोर्थ के लिए पॉज नहीं, कंटिन्यू बजाना है आपको। चलिए गाने की मेन लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो लाइन इस तरह गाइस, तो इसको मैं आपको इसको भी थोड़े थोड़े पार्ट्स में सिखाऊंगा। तो पहला ऐसा है देखो, ये भी इजी है गाइस। तो इसके नोट्स लिख लीजिए, ई ए बी सी ए, आपको दो बार बजाना है, ई ए बी सी ए, इसको दो बार बजाना है। फिर ऐसा होगा, और बचा दिया, फिर इसके बाद एक ऐसा है, इसके नोट्स देख लीजिए, ई ए बी सी बी ए सी बी ए। तो इसके बाद है चाओ चाओ चाओ, मतलब नोट्स है ई ई ई। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल है, आप देख सीख लोगे जल्दी। इसके बाद देखो गाइस, इसके नोट्स देख लीजिए गाइस, ई ई डी ई एफ एफ, ये भी इजी है गाइस। एक दो एक 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 दो, मतलब जो एक एक दो कर रहा हूँ ना मैं, वो उतने टाइम आपको बजाना है। ये दो बार, ये एक बार, वापस एक बार, ये दो बार। तो इसके बाद देखो, इसके नोट से एफ ई डी एफ ई, सिंगल फिंगर से देखिए। तो इसके बाद देखो गाइस, इसके नोट्स ई डी सी बी ई सी बी ए, सिंगल फिंगर से देख लीजिए। पूरा गाना देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो गाना मैंने बजाया है, ये टोन मैंने रखा है स्ट्रिंग, आप देखो ग्रैंड पियानो भी रख सकते हो, ये ग्रैंड पियानो है, और जो भी रखा था वो ये स्ट्रिंग है। तो आपको जो कंफर्टेबल है आप रख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।